दिनांक 17 अगस्त 2020, भारतीय शास्त्रीय संगीत के आसमान से एक और सूरज का अस्त हो गया, जिसका नाम था पंडित जसराज। उम्र के 4 साल से आपने संगीत की सेवा शुरू की और आखिरी सांस तक संगीत की सेवा करते रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जसराज जी अपने शास्त्रीय संगीत के प्रारंभिक दिनों में तबला संगति किया करते थे। एक बार किसी महान गायक के साथ तबला संगति करते हुए कॉन्सर्ट के बाद उस गायक ने उन्हें कुछ बातें कह दी, जिसका मर्म यह था कि आप तबला बजाने वाले सिर्फ मरा हुआ चमड़ा ही बजाया करिए, राग दरी और सुरों के बारे में आप क्या जानो। बस यही वह दिन था जब पंडित जी ने तबला त्याग दिया और सा लगाने से लेकर वोकल शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआत की, और ऐसा करते हुए वो आसमान में उस जगह पर जा पहुंचे जहां पहुंचना बहुत कम लोगों के लिए संभव हो पाता है। आप विश्व के एकमात्र ऐसे शास्त्रीय गायक बने जिन्होंने 7 खंडों में अपने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी। 2012 की बात है, शायद 2012 में आपने अंटार्कटिका में जाकर भी अपनी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी है। आप विश्व के एकमात्र ऐसे शास्त्रीय गायक बने जिन्हें मंगल और गुरु के बीच में पाए जाने वाले एक तारा वीपी को जसराज जी के नाम से 2006 में नवाजा गया। एक बार के किस्से का जिक्र मैं यहां पर जरूर करना चाहूंगी कि पंचम निशान संस्थान की संस्थापिका आदरणीय शोभा चौधरी, भारत की शास्त्रीय गायिका और मेरी गुरु, वो एक बार भारत से अमेरिका के प्रवास पर थी और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर कुछ टेक्निकल हॉल्ट की वजह से उनके एयरवेज को रुकना था और सभी यात्रियों से एक रिक्वेस्ट की कि सभी लोग नीचे उतर जाए, कुछ टेक्निकल हॉल्ट यहाँ पर उन्हें लेना है। शोभाताई अपने नंबर का क्यू में वेट कर रही थी और अचानक उनका ध्यान गया कि एक सिल्क की धोती और कुर्ता पहने एक बहुत ही दैदीप्यमान व्यक्तित्व उनके सामने से गुजर रहा है। जब तक उनकी नजरें चेहरे तक पहुंचती, जैसे ही उन्हें पता चला कि आदरणीय पंडित जसराज जी है, एक सिरहन सी उनके शरीर से दौड़ गई और वो आज भी शायद उन्हें महसूस करती है। वो चाह रही थी कि जसराज जी के पास जाए, कुछ शास्त्रीय संगीत की बातें करे, कुछ अपने अनुभव उन्हें बताए, उनसे आशीर्वाद ले, लेकिन जसराज जी का आभा मंडल इतना दिव्य था, उनकी जो ब्राइटनेस थी इतनी ज्यादा थी कि शोभाताई उस समय उनसे कुछ भी नहीं कह पाई, जिनके लिए वो आज भी अपने दिल में चुभन महसूस करती है। कालांतर से कहीं शर्मकरण हॉल में या और भी कहीं कॉन्सर्ट में जरूर उन्होंने पंडित जी के पैर छुए, उनसे आशीर्वचन लिए, लेकिन रूबरू बात करने का जो एक मौका उस समय था, वो उनके दैदीप्यमान आभा मंडल के की वजह से वो नहीं कर पाई, जिसके लिए वो आज भी बहुत अपने अंदर चुभन महसूस करती है। आज यह आभा मंडल हमारे बीच नहीं है, यह उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं है, क्योंकि श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं जो किसी भी रूप में हमारे बीच अब मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन जिन्होंने 85 साल यानी 31,025 दिन, अगर मैं 8 घंटे रोज के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2,50,000 घंटे, इसमें उनके होने वाले कॉन्सर्ट्स शामिल नहीं है, जो इंसान 2,50,000 घंटे सिर्फ संगीत करता हो, जो सिर्फ सुरों के इतना निकट हो, सुरों से जुड़ा हो, क्या यह संभव है कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके सुर, उनका उनके गीत, उनके भजन, उनके बनाए राग, उनके अलग अलग तरह के किए गए सारे प्रयोग, सब कुछ हमारे बीच में मौजूद है। हर शास्त्रीय संगीत सुनने वाला, गाने वाला, जितने भी शास्त्रीय संगीत के प्रेमी हैं, सभी के दिलों में आज जसराज जी सुरों के माध्यम से, उनके गीतों और भजनों के माध्यम से मौजूद है। इसीलिए मैं फिर कहती हूँ कि यह श्रद्धांजलि नहीं है। पंचम निषाद इंदौर परिवार की ओर से आज हम उनके परलोक गमन के 10वें दिन उनके लिए ये हम एक संगीतांजलि अर्पित कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे ये स्वर उन तक जरूर पहुंचे।
सहितम् श्री गणपतये नमो नमः। विघ्नेशं हनुमान लला
प्यारे लला हनुमान लला मेरे प्यारे लला हनुमान लला मेरे प्यारे लला हनुमान लला मेरे प्यारे लला प्यारे प्यारे लला सुकुमार लला प्यारे प्यारे लला सुकुमार लला लक्ष्मण को जिलाया तुमने लक्ष्मण को जिलाया तुमने संकट मोचन नाम तुम्हारो संकट मोचन नाम तुम्हारो काटो 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 मेरे अला बला Gama pani pama gama pani fani pani pama gama pani faga tani pani pama gama pani fani pani pama gama pani pama gama pama gama gatani sa Hanuman lala mere pyare lala Hanuman lala mere pyare lala सुकुमार लला प्यारे प्यारे लला सुकुमार